हो गया है, हो जाएगा, फिक्र ना करें, दुआ करें, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब एक नाम करके तो काम करे थे की काम, तो ये एक छोटा सा लिपि पर आया, थोड़ा सा समझने वाली बात है। दो जहाज रेलवे स्टेशन पर लेटे होते हैं, समझते हैं जहाज किसको कहते हैं, समझ गया ना? वो लेटे होते हैं तो दोनों सोए होते हैं और एक की आंख खुल जाती है, वो दूसरे को जो जोड़ता है तो उठ खड़ा हो, वो कहता क्या है, कहता सुन मैं ये रेलवे के डब्बे, ये रेलवे लाइन का जितना भी लोहा है, ये प्लेटफॉर्म पर जितनी भी लोहे की चीजें मैं खरीद सकता हूँ। वो दूसरा उसको कहने लगा, कहने लगा क्या कहा, क्योंकि वो अभी कोच में नहीं आया था, उसने फिर कहा कि मैं ये रेल के डब्बे, ये रेलवे की लोहे की लाइनें और जितना भी प्लेटफॉर्म पर लोहा है मैं खरीद सकता हूँ। कहते एक दफा फिर क्या है, उसने फिर कह दिया कि ये मैं रेल के डब्बे, ये रेलवे लाइनें, ये जितना भी लोहा है सब खरीद, कहता तू नहीं खरीद सकता। अब इसी बात में वो कहता मैं खरीद सकता हूँ, वो कहता तू नहीं खरीद सकता। लड़ाई शुरू हो गई। अब जब लड़ाई शुरू हो गई, जब आपस एक दूसरे को गिरेबान पकड़ लिए, कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, एक दूसरे ग्वालियर को, अब बात यही हो रही है खरीद सकता हूँ नहीं खरीद सकता, खरीद सकता हूँ नहीं खरीद सकता। लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने कहा कि इन दो जहाजों को हुआ क्या, बड़े आराम से खून से लेटे हुए थे, लोगों ने उसको पकड़ा, पूछने लगे, उतनी देर में पुलिस आ गई कि कहीं बम धमाका पैदा हो जाए, सारे लोग इकट्ठे हो गए, सारे उन्होंने सबको छोड़ा, छोड़ने के बाद उसको अपने पुलिस स्टेशन ले गए, उसे जाकर पूछा कि क्या हुआ अभी तुम लोगों को, वो जो कहता था कि नहीं खरीदा, कहता इससे पूछे, उसने फिर कहा उसने बता, कहता नहीं मैंने इसको ये कहा है कि मैं इतना अमीर हो गया हूँ, मैं रेलवे लाइन, रेलवे के डब्बे जितने लोग खरीद सकता हूँ, वो जो दूसरा था दो तुम कहता तू नहीं खरीद सकता। अब वो हैरान हो गया कि इसको हुआ क्या है, उसने कहा यार वो खरीद, कहता मैं बेच चुका तुझे खरीदेगा ना। और यकीन जाने इन्हीं काक्षों की वजह कि आज आप यहाँ पे बैठे हैं।